गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है कि लगभग एक महीना होने ही वाला है, तो आजकल बहुत ही बिजी हो गई हूँ मैं, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। तो चलते ही आज आप लोगों को ले चलती हूँ मैं लग वैली की ओर, क्योंकि वहाँ हमें कुछ काम है। तो दिखाते हैं आपको लग वैली गाँव भी कैसा है। तो चलो चलते हैं फटाफट। मैं पहुंच चुकी हूं यहां पर रोड में, तो कर रही हूं बस का वेट। मुझे बस मिल गई थी और मैं पहुंच चुकी हूं कुल्लू के ढालपुर में, तो ऊपर वाले ग्राउंड के पास पहुंच चुकी हूं मैं। यहां पर शायद से ये होली के फंक्शन के लिए बनाया होगा, ऐसा टेंट लगाया होगा। मैं कुछ देर यहाँ पर बैठकर वेट कर लेती हूँ। बस में नहीं जाएंगे हम जा रहे हैं छोटी गाड़ी में, तो गाड़ी थोड़ी ही देर में आने वाली है, तब तक यहाँ बैठकर वेट कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल चौक पर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ से सारी गाड़ियाँ ऊपर लग वैली की तरफ जाएगी, तो यहीं पर बैठ कर उनका वेट करती हूँ। वैसे मुझे इस रोड की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहीं पर बैठ कर ही वेट करना पड़ेगा, अकेले तो जा नहीं सकते हैं। वहाँ पर आई है लग वैली से जेठानी गांव से बस, इसमें ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पर जेठानी गांव भी होगा शायद से लग वैली में कोई, तो वहीं से ये बस आई है। मैं बैठी हूँ यहाँ पर ढालपुर में जो सरकारी स्कूल है, तो यहाँ पर बैठी हूँ मैं कर रही हूँ अपनी दीदी की बेटी का इंतज़ार, क्योंकि उनके साथ ही जाना है हमें ऊपर लग वैली तक। यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत है ये स्कूल, कितना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर कला मंच भी है, वहाँ पर लगी है सरस्वती माता की प्रतिमा भी। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पर देखो यहाँ से पीस गांव के लिए रास्ता शॉर्टकट भी होगा शायद से, ऊपर दिखाई दे रहा है पीस गांव का स्कूल भी, तो यहाँ से रास्ता पता नहीं कहाँ से होगा। मुझे करना है फिलहाल यहीं पर ही रेस्ट, तो पता नहीं कब तक आएंगे वो। मेरी गाड़ी आने वाली है, तो हम लोग निकलते हैं गाड़ी में, तो चलते चलते बात करेंगे। मुझे लगता है वो सामने वाली गाड़ी ही होगी उनकी, चलो आगे जाकर देखती हूँ। लग तो वैसी ही रही है। अब हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो वेट कर रहे हैं किसी और का भी, तो देखते हैं कब तक आते हैं वो, फिर चलते हैं लग वैली की ओर। यहाँ से दिखाई दे रहा है नया बस स्टैंड भी, तो हम लोग नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें जाना है सीधा लग वैली की तरफ। तो फ्रेंड, हम लोगों को करना पड़ रहा है बहुत ही वेट, क्योंकि हम जिसका वेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर गाड़ी में। साथ में है यहाँ पर कुछ लोग, ये लोग नहीं है, मेरी दीदी की बेटी है। तो जो हमारे ड्राइवर थे, हमारे सर थे, वो लोग चले गए हैं शायद से टाइम पास करने, तो हम दोनों ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। पता नहीं वो कब तक आएंगे जिनका हम वेट कर रहे हैं। वैसे तो लगता है मुझे कि वो गाड़ी में आ चुके होंगे बस में। तो हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ से लग वैली रोड है ऊपर, साथ में पीछे स्कूल भी दिखाया था मैंने आप लोगों को, वहीं पर ही बैठे हैं हम, तो थोड़ी देर में चलते हैं।
तो फाइनली सब लोग पहुंच चुके हैं, तो हम निकल पड़े हैं लग वैली की तरफ। तो दिखाते हैं आप लोगों को कहां पर जाना है हमें। इस रोड में बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेले के टाइम जाम लगता है, उसी तरह से आज भी लग रहा है। जिनका हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे वो यही है। तो क्योंकि इनके ही दीदी के घर जाना था हमें आज, तो इसीलिए इनका वेट किया जा रहा था। यहाँ पर देखो कितना सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। लगवैली साइड का व्यू बहुत ही सुंदर है, मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ। बचपन में आई होगी मैं कभी, पर मुझे याद नहीं है। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ में आप लोगों को दिखाने का मौका भी मिल रहा है मुझे। वहाँ नीचे जंगल की तरफ मुझे कुछ घर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, उतना क्लियर तो नहीं लग रहा है, पर लग घर जैसा ही रहा है, पता नहीं क्या होगा ये। वहाँ नीचे की तरफ ये पता नहीं घर है कि झोंपड़ी है कि क्या है, उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलो कोई नहीं, जो भी हो हमें क्या है, हमें तो आगे जाना है। मगर यहाँ पर बीच बीच रास्ते में बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है, तो हमें रुकना पड़ रहा है। एक तो यहाँ गांव में शादी भी है और आगे आगे बारात भी जा रही है, तो शायद से उनकी वजह से भी इतना जाम लग रहा होगा। अभी पता नहीं और कितनी दूर जाना होगा हमें, एक तो जाम भी लगा हुआ है और ऊपर से गाड़ी भी आराम आराम से जा रही है। चलो कोई नहीं, जहाँ तक जाएंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वहाँ नीचे की तरफ शादी का प्रोग्राम चल रहा है, वहीं तक आई है बारात, तो इतना जाम उन्होंने ही लगा रखा था। देखो बारात आ ही गई है, अब इसके बाद पटाखे फोड़े जाएंगे। Thank you.
वहाँ ऊपर की ओर देखो, घर कितनी चोटी पर बनाया हुआ है। इसके आगे की तरफ को बिल्कुल खाई है, होगा शायद से रोड दूसरी तरफ से, पता नहीं, मैं तो नहीं गई हूँ। और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पहली बार ही इस जगह पर आई हूँ, तो मैंने पहले ये गांव कभी नहीं देखे थे। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये वाली जगह, वो प्लेन जैसा एरिया और बहुत सारे गांव है वहाँ पर, देखो बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये वाली जगह। आप लोगों को ये वाली जगह कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। अब जाकर हम गाड़ी से उतरे हैं, तो लगता है पहुंच ही गए होंगे। इस वाली गाड़ी से आए थे हम, देखते हैं अब किस ओर जाएंगे। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, ऊपर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है एक लैंटर, बहुत ही ऊंचा। चढ़ाई से शाम नहीं खड्डी चढ़ाई से। जा तो मैं आगे आगे रही हूँ, पर ये नहीं पता है कि जाना किधर है। यहाँ नीचे की ओर है रोड, देखो इतनी हाइट में आ चुके हैं हम। पहले रास्ता पूछ लेती हूँ, वरना गलत रास्ते से जाऊंगी मैं नहीं तो। हम लोगों ने दूसरा रास्ता चुना है अब, पहले हम गलत रास्ते से ही जा रहे थे, तो अब सही रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ है एक और घर, यहाँ पर देखो लोगों ने नए पेड़ की तैयारियाँ भी कर ली हैं। यहाँ देखो साथ में लगी हुई है यहाँ पर बिच्छू घास, यहाँ पर लगा हुआ है नींबू का एक छोटा सा पेड़, और आगे की तरफ को नींबू लगे हुए हैं, पीछे की तरफ पूरा खाली है। ये वाला घर है जहाँ हमें जाना है, तो चलते हैं आज इनके मेहमान। बहुत ही सुंदर घर है इनका, बहुत ही ब्यूटीफुल। इनकी दीदी का घर है ये, यहाँ पर देखो चारों तरफ है बाग बगीचे और बीच में है इनका सुंदर सा घर, बहुत ही अच्छा। और साथ में लगा हुआ है एक अखरोट का बहुत बड़ा पेड़, और यहाँ पर है इनका पानी का नलका, देखो। तो चलते हैं फटाफट अंदर की ओर, दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू, बहुत ही सुंदर। थोड़ी देर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत ही सुंदर घर है इनकी दीदी का, तो हाँ यहाँ से देखो खिड़की से बाहर का व्यू। ये है इनके नाशपाती के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के होंगे। बहुत सारी ज़मीन है इनकी यहाँ पर।
हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हमारे साथ आए थे उनके रिश्तेदार यहाँ पे सुमा में सुमा हाँ सुमा यहाँ जगह का नाम है, मासी यहाँ नीचे जितना भी एरिया यहाँ सुमा बोलते हैं। और बहुत तिलक वैली बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर बगीचे ही बगीचे हैं सेब के अलग अलग वैरायटी के, बहुत मतलब नेचर वाली जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मासी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लग वैली कैसा लगा, कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या फील हो रहा लग वैली आके? बहुत मतलब ही अच्छा लगा मुझे। मैं लगभग यहाँ पर कम से कम 2010-11 में आई होगी शायद से, तो उसके बाद तो मैं अब 2023 में आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काश और पीछे भी जा पाती मैं। चलो कोई नहीं, जब मौका मिलेगा तो हम इसे पीछे भी जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी हम दड़का तक जाएंगे तो तब हम वहाँ तक का आपको व्यू दिखा सकते हैं। दड़का कहाँ जैसे पड़ा? यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर आगे है पीछे की तरफ को। हाँ जी, अच्छा तो कोई नहीं फ्रेंड, हमें जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा जाने का तो आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। तो यहाँ तक तो आए ही है, हो सकता है हम पीछे भी जाएं, आज नहीं कल परसों तक तो जा ही सकते हैं, क्या पता आज ही जाने का मौका मिले तो जाएंगे ज़रूर। लग वैली का टूर तो लग ही चुका है। यहाँ पर हमें घर वालों ने दिए हैं अखरोट खाने के लिए, और यहाँ पर है इनका बहुत ही बड़ा अखरोट का पेड़, तो फ़िलहाल तो अभी इस साल नहीं लगे हैं, शायद से इन्होंने अपने लिए बचा कर रखे होंगे, तो हमें भी दिए हैं खाने के लिए। जो यहाँ पर ये अखरोट है ये बहुत ही मुलायम होते हैं, इनकी जो ऊपर वाली ये हिस्सा होता है ये बहुत ही पतला होता है, तो इनको आपस में टकरा कर ही तोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इसकी जो पपड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। अखरोट तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, एक जिसका ये वाला छिलका बहुत ही सख्त होता है वो नहीं टूटता है ऐसे, उसे पत्थर से ही तोड़ना पड़ेगा, मगर ये वाला बहुत ही मुलायम है इसलिए हाथों से ही तोड़ रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ रोड में, तो जिनका वेट हम सुबह कर रहे थे उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो लोग ऊपर उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी दीदी का घर था ये, तो यहाँ पर हमें कुछ काम था इसीलिए आए थे हम यहाँ पर। तो अभी जाना है शायद से हमें आगे बैंक तक, वो होगा दड़का में, यहाँ पर दड़का नाम की एक जगह है वहाँ पर जाना है हमें, तो देखते हैं, मेरे लिए भी नई जगह है तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। दड़का गाँव ही होगा शायद से वो, तो यहाँ पर तो गाँव ही है छोटा सा ही होगा। यहाँ पर रोड में बिल्कुल ही कम गाड़ियाँ चल रही हैं, बिल्कुल सन्नाटा सा है, वहाँ सामने लगी हुई है हमारी गाड़ी, अभी ऊपर से आना है उन्होंने, करते हैं वेट थोड़ी देर उनका। तो फाइनली ऊपर से दोनों भाई बहन आ रही हैं, तो चलते हैं हम बैंक तक, अभी पता नहीं क्या बातचीत हो रही है उनकी, आराम आराम से आ रही है, तो चलो रोड तक करते हैं उनका वेट, तब तक हम यहाँ पर देखते हैं आसपास का व्यू, बहुत ही सुंदर। यहाँ सामने की ओर है भगवाई की चिकन शॉप, तो शॉप तो है बंद, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे हमारे भागू भाई। ये मंदिर कौन रहा देव रहा ए, हाँ, फ्लानी। और फ्लानी। इसके बाद इधर वाला जी जो घर है ना यहाँ वाले, ये लकड़ी के घर के साथ वाले, इधर सामने वाले, यहाँ वाले, ये इनके ही घर है, ये मारे है। तीन चार घर है, फिर उस तरफ नदी को तरफ, उस तरफ भी है घर इनके, अली सारे इस यों यार सारे और रिश्तेदारी बड़ा गौर लकड़ी का। अच्छा हाँ जो किचन तो होता है बनाए जाते हैं, उजला मंदिर है, उजला है, पता है कि मार को घुमाने की जरूरत, उज्जल सा बूटा के मंदिर वाला है, हां कृष्ण भगवान रे हैं, हां तू सुनी आई रे तबे नहीं बोलती रहा उस से ना सुना था, मैं बेजी अब और कृष्ण भगवान है ना उज्जैन सरवा है, बस ला रो ना सर विशाखा में तबे जी तो जरूर है, इनको कौन है ऐसा ना। हां ये
हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर दड़का में। तो यहाँ पर देखो कितने सारे घर हैं, बहुत ही सुंदर। हमारा बैंक में जो भी काम था तो हमने फटाफट निपटा लिया है। ये है उनकी छोटी सिस्टर। तो चलते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, काम तो हमारा पूरा हो ही चुका है, तो फटाफट निकलते हैं, देर किस बात की। यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पुल के नीचे कितना पानी है। पुल काफ़ी हाइट है और नीचे देखते हैं पानी कितना है। यहाँ से तो कम ही लग रहा है, उतना ज़्यादा पानी नहीं है, शायद बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा आता होगा ये नाला, तभी इतना हाइट पर बनाया है ये पुल। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो फ्रेंड मैं पहुंच चुकी हूँ अब बूठी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।